आपके बाहर जहाँ भी फिल्म रिलीज़ हो रही है वो सब टाइटल के साथ रिलीज़ हो रही है, तो आपको जो एक एक, एक जैसे आप पंजाबी या साउथ की कहीं फिल्म देखते हो या मराठी फिल्म देखते हो तो एक महक होती है एक उस जगह की, तो वो भी आपको एक देखने के और सुनने को मिलेगी, और उसके साथ सबटाइटल्स हैं तो आपको समझ भी पूरा आएगा। ऐसा नहीं है कि डब करके उसको ख़राब कर दिया गया है, आपको एंजॉय आप एंजॉय करेंगे 100%। आप फैमिली के साथ जाएंगे तो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपनी माँ बहन और बेटी सब के साथ बैठ के आप फिल्म देख सकते हैं, और फन कॉमेडी सब कुछ भरा पड़ा है इस फिल्म में, आप एंजॉय करेंगे। क्या क्या हो रहा है फिल्म में और जितने भी सवाल हैं वो 21 को सबको पता चलेगा। सर, गुड़िया को डॉल्स के साथ आपका पोस्टर दिखाया, क्या है मतलब, क्या फैमिली प्लानिंग है, क्या है कुछ थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, प्लानिंग ही है भाई आपके सामने, आपने सही तो थोड़ा कुछ बताइए क्या है मतलब पोस्टर में क्या दिखाना चाहते हैं। कहानी इस बच्चे की है बेसिकली। हाँ नहीं नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ कहानी बच्चे की नहीं है, कहानी सभी बच्चों के लिए है जो आके देख सकते हैं। और आपने क्या पूछा था? वो मतलब किस तरह का यह फैमिली प्लानिंग पर है, मतलब आप दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं क्या? दो कहाँ, एक है वो फैमिली है। अरे अच्छा, वो तो उससे मेरी शादी हो रखी है फिल्म में। ओके, फिल्म का नाम जो है वो इटसेल्फ यू नो डिफाइन करता है कि बैचलर मैन या क्या नाम है, अनमैरिड मैन, क्या नाम है, बट लाइक इट्स न्यू इट शडा 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 शडा, तो इट तो वो डिफाइन करता है कि यू नो अनमैरिड मैन, तो इस पे कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, छड़ा जो है वो हमारे पंजाब में गांव में ऐसे करैक्टर होते हैं, ये ऐसा फिक्शनल कोई करैक्टर नहीं है, छड़ा और छड़ी ये करैक्टर होते हैं हमारे अपने सोसाइटी में, तो उन पे थोड़ा थोड़ा टॉन्ट भी करते हैं लोग, और जब जो कुड़ियां पंजाब से गिद्दा पौनियाँ तो उन्होंने बोलियाँ भी पौनियाँ, जब तुम कोई पंजाबी बोली सुनी होगी तो थोड़ी शायद किसी को पता होगा। सो ये हमारा अपना करैक्टर है और इस पर फिल्म नहीं बनी थी, तो अगर आप फिल्म देखते हैं, अगर आप पंजाबी नहीं देखते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देख कर आइएगा, 21 तारीख को ये रिलीज़ हो रही है फैमिली के साथ, और हम यहाँ बॉम्बे में भी रिलीज़ कर रहे हैं इसको, मुंबई और पंजाब के बाहर भी सब टाइटल के साथ, 100% आपको पसंद आएगी। नहीं हिंदी में भाई, अच्छा छड़े को मैं क्या बोलता हिंदी में, नहीं कुआरा नहीं होता, कुआरा और होता है, छड़ा और होता है, बस यही फ़र्क है। अगर इसको डब करने जाते ना तो सारा सत्यानाश हो जाता है, इसके डायलॉग्स भी सत्यानाश हो जाते हैं, तो इसलिए वो जो एक महक है ना, एक जगह एक रीजन की जब एक फ़िल्म आती है जैसे पंजाब की फिल्म आ रही है, अगर उसको आप हिंदी में डब कर दोगे ना तो उसकी अपनी महक भी चली जाएगी, तो वो आपको एक फील भी समझ आएगा, आपको एक 100% एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा, और उसके साथ सबटाइटल्स के साथ है तो आपको समझ भी आ रहा होगा, तो आप पूरा फिल्म का मज़ा ले सकेंगे। अगर उसको डब कर देते ना तो फिल्म ख़राब हो जाती भाई। ओके, आल्सो लव एट फर्स्ट साइट दिखाया है कुछ ऐसे फिल्म के अंदर? हाँ जी, लव एट फर्स्ट साइट, लड़का लड़की जब मिलते हैं फर्स्ट साइट ही होता है फिर। आपने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन? वो तो दिन में 5-7 बार हो जाता है तो इसलिए मैं उससे अपने आप को उतना सीरियस नहीं लेता, तो फिल्म एक्चुअली सीरियस है, तो ये छड़ा जो है वो आप जितने यहाँ खड़े हैं, मैं ऑडियंस को तो कहूँगा ही, लेकिन आप लोग भी प्लीज़ उस दिन कोई इंटरव्यू मत कीजिएगा, प्लीज़ आप फिल्म देख कर आइएगा हमारी, और आप उसके बाद कभी मिले आप इंटरव्यू में तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में, और आप देख के आएंगे, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप मेरे को बता भी सकते हैं यार तुमने ये क्यों किया, अब क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ ये फिल्म बहुत अच्छी है, हमने देखी है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। ओके, नीरू जी, आप ने मतलब थोड़ा बताया नहीं हमें, पोस्टर्स अगर देखे तो काफ़ी यू नो आप यूनिक है, तो इसमें बताइए आप पूरा रूल कर रही हैं क्या? हाँ, वो देखो पढ़ के खींच लिया वैसे भी लड़कियों का जमाना है ना। हाँ जी, प्लीज प्लीज़ बोलिए। एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट लड़की है, उसको भी शादी नहीं करनी है, एंड वो एक्चुअली 2 साल बड़ी है इनसे, तो वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट है, सो वो छड़ी है फिल्म में, बट शी जस्ट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल एंड शी है। देखिए ना मेरा हालात क्या है, यही है बस, फिल्म में भी ऐसे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी।